प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, जीते रहो। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि मन लगा के पढ़ाई करो और जल्दी से जल्दी पुलिस में भर्ती हो जाओ। नहीं, मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है पिताजी। अरे नहीं बेटा, देख तेरे दादाजी आर्मी में थे, उनसे मिलने में बड़ी तकलीफ होती थी, दो साल में एक बार आते थे, समझे ना। प्रणाम। जीते रहो जीते रहो, बैठो। पिताजी, अब तो हर साल आते हैं आर्मी वाले, इसको आर्मी में जाने दो यार, पुलिस की नौकरी ठीक नहीं है। हाँ, आपके कहने से मैंने ज्वाइन किया था, पछताना पड़ रहा है मुझे, बीवी हमेशा नाराज रहती है मुझसे। नहीं पिताजी, ये झूठ बोलते हैं, मैं क्यों इनसे नाराज रहूंगी भला। पर एक बात तो है, अगर पति घर से खाना खाए बिना चला जाए तो पत्नी का नाराज होना तो लाजमी है ना। बहू बिल्कुल सही कह रही है। पर पापा। विशाल, तुम अपने आप को पहले संभालो, आप तो हमेशा इसी का पक्ष लेते हो। आपके पक्ष में मैं हूं ना भैया। हाय, कैसे हो? नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, चलो चलते हैं। हाँ चल। प्रणाम। जीते रहो। अरे शिखा बेटा, आप आ गई। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। एक्चुअली घर में दादी बहुत बोर कर रही थी और कॉलेज का भी टाइम हो रहा था। हाँ। राहुल उठ गया क्या? कहाँ, अभी अपने बेडरूम में सो रहा होगा। आज सरकार ने आरबीआई बैंक को आदेश दिया जीरो बैलेंस से खाता खोलने का। अंकल मैं आपके लिए चाय बना दूं? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। okay. जी अंकल, चाय पी लीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। अंकल चाय कैसी बनी है? बहुत बढ़िया, जैसे आप सुंदर हो वैसे ही सुंदर चाय बनाई है बेटा आपने। थैंक यू बेटा। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राहुल। यार पापा आ जाएंगे यार। कोई नहीं आने वाला। पापा आ जाएंगे, छोड़ो ना। कहा ना कोई नहीं आने वाला, छोड़ो ना। राहुल राहुल पापा आ जाएंगे, राहुल पापा आ जाएंगे। सो व्हाट राहुल। ओके, खुश। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी सॉरी। इडियट, दिखाई नहीं देता है तुम्हें, हंसते हो मुझ पे। आजकल के लड़के भी बदमाश हो गए हैं, तमीज नाम की कोई चीज नहीं। आजकल के बच्चे कितने चेंज हो गए हैं। इंटरनेट कंपनियां हमारे भारत को गंदा कर रही हैं। धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है और भारत का कल्चर खत्म हो रहा है। देखिए प्रोफेसर साहब, एजुकेशन कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है, धार्मिक भावनाओं को तो ठेस पहुंचेगी ही ना। हमारे देश की तरक्की के लिए एजुकेशन जरूरी है और एजुकेशन के लिए इंटरनेट जरूरी है। आपके कहने का मतलब है कि
इंटरनेट बंद नहीं होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या बनाया शिखा बेटी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। गोभी के पराठे और आपके लिए लस्सी, ये लीजिए। और ये राहुल के लिए। लस्सी। राहुल बेटा, शिखा कितनी बढ़िया लड़की है। रोज सुबह आती है, तुम्हें उठाती है, नाश्ता बनाती है और फिर कॉलेज जाती है उसके बाद। अगर शिखा नहीं होती बेटा तो तुम्हारा क्या होता? अरे पापा, ये अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही है। लोग दोस्तों के लिए जान दे देते हैं, ये थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? राहुल सही कह रहा है पापा। मैं नहीं करने वाला, I'm so sorry, लेकिन तुम फोर्स कर रही हो तो मैं एक बार ट्राई कर लूंगा। हाँ बाबा। हाय राहुल। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे सर, आज नहीं गिराऊंगा सर। खुले शांत और ब्रेक फेल गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता है, सीधे साधे आदमी को कभी भी कहीं भी धक्का मार सकता है। You are so funny. आज तुमने फिर प्रोफेसर को धक्का मारा? मैंने जानबूझ के नहीं मारा यार, गलती से लग गया था। अच्छा। और वो प्रोफेसर भी ना क्लासरूम छोड़ के गार्डन में घूमता रहता है। खैर तुम ये सब छोड़ो यार, जाके तुम सोनिया को मनाओ। तुम कहते हो सोनिया को मनाओ, सोनिया कहती है तुम्हें मनाओ। तुम दोनों को मनाने के चक्कर में ना मेरी तो वाट लग गई है यार। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, और एक सच्चे दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त की हेल्प करे। और तुम तो मेरी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी और सबसे सुंदर दोस्त हो यार। हाँ हाँ, समझ गई, मना लूंगी सोनिया को। लेकिन जब वो सामने आए ना तो उसे सॉरी जरूर बोल देना। अब चलो। हाय सोनिया। मुझे पता है तुम राहुल की सिफारिश करने आई हो ना, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सिफारिश नहीं चलेगी। उसे एक बार हग करना पड़ेगा और दो बार किस करना पड़ेगा, तभी मैं राहुल को माफ करूंगी। ये सब तो इम्पॉसिबल है। Impossible को possible बनाया सोनिया की आदत है। I want to love with Rahul, but don't love me. अगर वो मुझसे प्यार करता तो मेरी आदत और मेरी जरूरतों को ख्याल रखता। Hi सोनिया। Hi। किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारी या राहुल के? अगर तुम्हारे बारे में बात हो रही हो, तुम तो बहुत सेक्सी गर्ल हो। तुम राहुल के पीछे क्यों पड़ी हो? राहुल को तुम्हारे पीछे पड़ना चाहिए। मैंने तुम्हारी राय नहीं पूछी, मैं जैसी हूँ मुझे पता है। हाँ राहुल मुझसे बहुत अच्छा है, पैसे वाला है और मेरे दिल में रहने वाला है। और हाँ, और वो भी मुझसे प्यार करता है। बिल्कुल गलत। मैं और तुम्हारे जैसे चुड़ैल से प्यार करूंगा। हा? और दिल में रहूंगा। तुम्हारे पास दिल है ही कहाँ? अभी बताती हूँ। राहुल जा, राहुल, राहुल। अच्छा। नमस्कार। जिस केस की आपने रिपोर्ट लिखाई थी उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पूरा डिपार्टमेंट परेशान है, मुझे लगता है कहीं वो मर ना गया हो। नहीं मिला ना आपको? नहीं मिला। मर गया साला, बहुत पैसे डुबाए थे उसने मेरे। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो मनोत्रा साहब, मैं ज्ञानेंद्र बोल रहा हूँ। आपकी गाड़ी आ गई जो मंगाई थी आपने।
नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार, आओ वीरेंद्र आओ बैठो। बैठो, बहुत दिनों के बाद आना हुआ, कहाँ रहे इतने दिनों तक? कुछ काम था घर का तो मैं दिल्ली चला गया था। और आप सुनाइए, बहू के हाथ का खाना आपको कैसा लग रहा है? अरे यार क्या बताऊं, बहुत बुरा, बहुत कम नमक डालती है और मीठा तो लो आ गई। आज के बाद पिताजी को खाने में सिर्फ शक्कर ही मिलेगा। अरे बहू तू शक्कर डाल या नमक, मुझे तो मीठा ही लगेगा। ठीक है भाई साहब, कभी कभी शक्कर और नमक का खाना हमको भी खाने का मौका दीजिए। कभी क्यों चाचा जी, आज ही खाइए। आज तो हमें निकलना पड़ेगा, तेरी चाची का जन्मदिन है, हम दोनों साथ खाना खाते हैं। चाचा जी मैं भी चलूं आपके घर? अरे नहीं बेटा नहीं नहीं, आज इन पति पत्नी को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, ये आज वीरेंद्र चाचा अपनी पत्नी के साथ ही खाना खाएंगे बहुत दिनों के बाद, है कि नहीं? जी जी ठीक है सर, मैं चलता हूँ। चलो भाई नमस्ते। नमस्ते। ठीक है ठीक है, चलो सबके सब चले। आ गए आप, आपको मालूम है आज हमारा जन्मदिन है, फिर भी आप देर से आए हो। मैं जितेंद्र भाई साहब के घर चला गया था। खाना तैयार है? हाँ खाना तैयार है, आज मैंने आपके लिए रसगुल्ले बनाए। अच्छा वाह क्या बात है। हाय शिखा। हाय, वैसे सुबह सुबह तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ क्या कहना चाहते हो? I love you शिखा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, तुम अपने दिमाग का इलाज करा लो। मैं भी यही सोचता हूँ, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मेरे होते हुए तुम चलकर जाओ ऐसा नहीं हो सकता। आई लव यू शिखा। देखो मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मेरी दादी ने सुन लिया तो मेरा जीना हराम कर देंगी। एक तो मेरे मम्मी पापा नहीं है, ऊपर से तुम इस तरह मुझे परेशान मत करो। क्या हुआ शिखा बेटा? कुछ नहीं दादी, रोहित मुझे लेने आया है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। ठीक है बेटा जल्दी आ जाना। चलो रोहित। रोहित गाड़ी यहीं रोको, मैं चली जाऊंगी, प्लीज। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इडियट, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें समझ नहीं आता फिर भी मेरे पीछे पड़े हो, जाओ यहाँ से। यार तुम मेरी बात को समझो। क्या समझो, रात भर बिस्तर पे तकिया पलटता रहा, अच्छा मिलने के बाद तो मैं क्या करूं? बनता है ना, क्या बनना चाहिए? हाँ हाँ समझ गई मैं, पागल हो, कॉलेज में ये सब करना बार बार ठीक नहीं है, ये हमारा कॉलेज है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। आजकल कोई कॉलेज किसी पिकनिक स्पॉट से कम है क्या? अच्छा रात मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे पिक भेजी थी, देखी? हाँ हाँ देखी। बकवास, तुम्हारा इतना छोटा कैसे हो गया? व्हाट्सएप में छोटा ही हो जाता है। इसका मतलब तुमने मुझे भेजा था वही तो नहीं? यस, हम तीनों दोस्त जो भी करते हैं ना सेम ही करते हैं। इसका मतलब राहुल भी सब कुछ जानता है? वो तो अपना गुरु है यार, उसने तो हमें सब कुछ सिखाया है। लो राहुल भी आ गया। हाय राहुल। हाय राहुल। मेरे बारे में कुछ बातें चल रही है? नहीं भाई तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही है, वो व्हाट्सएप वाले कांड के बारे में। अरे अच्छा अच्छा वो। अरे यार वो तो व्हाट्सएप पे बहुत छोटा लगता है यार। छोटा नहीं यार, मैं तो उसको बड़ा कर देती हूँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। उसको पुच्ची नहीं देती ना मुझे। राहुल को तो पिकनिक पे देगी वो पुच्ची। अरे यार उसे ना व्हाट्सएप वाला डॉग ही बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे लंदन वाले हाउस में रहता है। वाओ लंदन में रहता है? हाँ। तो हम सब लंदन के लिए पिकनिक के लिए। अरे यार लंदन लंदन छोड़ यार, कल अपने को अपने बाप के फार्म हाउस पे जाना है यार, नदियाँ हैं झरने हैं। अच्छा असल जाते हैं ना वहाँ पे। तुम्हें याद है राहुल पिछले साल हम जब फार्म हाउस पर गए थे वहाँ पर तलन है क्या? क्यों इसे तलाक दे रही है क्या विपिन को? नालायक। हाँ अभी अभी छोड़ नहीं दीजिए, छोड़ नहीं से रुक कहाँ ना रुक बेशराम रुक अभी देखो आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राहुल
हाय बुनियाद, कैसा है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। कल अपने को मेरे बाप के फॉर्म हाउस पे जाना है, याद है ना, पिकनिक के लिए? बिल्कुल पक्का। हाय बुनियाद, याद है ना कल अपने को पिकनिक पे जाना है मेरे बाप के फॉर्म हाउस पे? बहुत मजा आएगा फिर तो। वहाँ क्या खाक मजा आएगा, वहाँ तो बोरियत होगी। बोरियत तो अकेले में होगी, मजा तो जोड़े में आएगा। तुम सिमरन को भी साथ ले लेना। श्योर, बिल्कुल ले लेंगे, और विकास को भी साथ में ले लेंगे। डन। ओके ओके, डन। चल चलते हैं। बोल बेटा, क्या बात है? पिताजी, मुझे पिकनिक पे जाना है। पिकनिक में जाएगा? किसके साथ जाएगा बेटा? राहुल मल्होत्रा के साथ, जो मेरा फ्रेंड है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो राहुल। ठीक है ठीक है, जा बेटा जा, लेकिन अपना ध्यान रखना। ओके ओके डैडी। ये क्या अपना ख्याल रखेगा, इसे तो घर का ही ख्याल नहीं रहता है। मैं तो कहता हूँ इसे जाने ही मत दो। जब पिताजी ने बोल दिया तो आप क्यों रोक रहे हो? भाभी जी ने भी इजाजत दे दी तो मैं जाऊँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। जा बेटा, लेकिन जो मैंने कहा उसका ख्याल रखना, ठीक है? जा, चल। देख कितना खुश है वो पिकनिक में जाने के लिए, जाने दे बच्चा है। अच्छा तू ये बता, वो तेरे एस राठौर का क्या हुआ, कुछ पता चला? पिताजी, पुलिस रिकॉर्ड में तो वो मर चुका है, पता ही नहीं है उसका कुछ। पर वो जिंदा तो है ना? मालूम नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? बेटा वो मेरा बिजनेस पार्टनर था इसलिए पूछा, उसका कुछ पता चले तो मुझे बताना बेटा। आइए पिताजी, नाश्ता लग गया है। देख नाश्ता भी लग गया, आजा आजा नाश्ता कर लेते हैं। ओहो, अरे वाह, बहुत कुछ बना लिया तुमने तो। चल ला भाई, ले भाई तू भी। जी ले। अरे अरे प्रोफेसर सर, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, आप अपने आप को संभाल लेंगी। अरे सर, साइंस नाम की चीज नहीं है, साइंस के प्रोफेसर बनते हो अपने आप को? ये क्या कर रहे हो, आरती मैम के पल्लू संभाल रहे हो या अपनी आंखें सेक रहे हो? बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं है तुमको? गुरु से कैसे बात की जाती है? गुरु चले के काबिल तो हो नहीं, गुरु बनने चले। साइंस पढ़ाते हो ना इस कॉलेज में, हर साल मुझे अंडा मिलता है। अबे तो ऑमलेट बना के खा जाना उसका, और सर कैसे पढ़ाएंगे, क्या अंदर घुस के पढ़ाएंगे तुझे? मुझे देख, मैं भी तो फर्स्ट आता हूँ हर साल। राहुल तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये सच बोलता ही कब है, जब भी सच्चाई की बारी आती है गांधी जी के तीन बंदर सामने खड़ा कर देता है। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, ये तीनों चीज आज हमारी मैडम के साथ होते होते रह गई। वो तो मैं समय पे आ गया इसीलिए मैम की आज लगते लगते रह गई। बदतमीज, क्या लगते लगते रह गई? मैडम जी बहुत, आप बुरा मत मानिए, आप तो हमारी कॉलेज की सबसे अच्छी प्रोफेसर हैं। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ाती हैं तो मुझे महाभारत की द्रौपदी याद आ जाती है। प्रोफेसर सर आप रहने दीजिए, इन बच्चों के मुंह लगना ठीक नहीं है, जहाँ एक ही बात होती है वहाँ ये लोग सी लगा देते हैं। अरे मैडम जी, जाते जाते ये तो बताते जाइए, एआरसी का क्या मतलब होता है? अरे राठौर, तुम कहाँ थे भाई? मैं कहाँ था? तुम्हारे बेटे ने तुम्हें बताया नहीं? तुमने अपने बेटे को मेरे पीछे लगा दिया, तुम मल्होत्रा से मिले हुए हो। 2 साल से मैं उससे नहीं मिला हूं, मुझे उससे नफरत है। मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है,
जब उसे पता चला कि मैं तुम्हारे पिताजी के साथ काम करता हूं तो उसको जलन हो गई। मैं अपना हिसाब किताब करके वहां से निकल लिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी उसके साथ काम करते रहे और नतीजा अपनी जान गंवानी पड़ी उनको। लेकिन मैं उससे बदला लेकर रहूंगा अपने पिता का मौत का। बस आप मेरे साथ हैं तो मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो उसका बेटा मेरे बेटे के साथ पिकनिक पे जा रहा है। तुम उसका जो चाहे करो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। यस, मुझे भी पिकनिक पे बड़ा मजा आता है। आई लव राहुल। पिकनिक में तो बहुत मजा आता है। जोड़ी में पिकनिक का मजा दुगना हो जाता है। आज तो पिकनिक का पूरा मजा आएगा अकेले में, क्यों? तुम जो साथ में हो तो मजा आएगा। तो है। लड़के तो मतलबी होते ही हैं। वो लड़कियों की फीलिंग्स को नहीं समझते। फीलिंग्स? फीलिंग्स का तो मजा लेना पड़ता है यार एक दूसरे से। अच्छा। अरे राहुल, स्लोली। बहुत दिनों बाद हम साथ जा रहे हैं ना, बहुत एंजॉय करेंगे। क्यों नहीं? कितना प्यारा मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है यार। कितना प्यारा नजारा है। अरे गाड़ी में बैठे हैं तो कुछ बोलो यार। क्या बोलो यार, सब तो तुम ही बोलो। सब बॉयज एंड गर्ल्स कुछ खेले। हाँ, खेलते हैं ना। हाँ, हाँ, प्लीज। क्या खेले? अरे पार्टनर तो है ही। क्या है? बिल्कुल खेलते हैं। जो अंताक्षरी खेलते हैं। चलो अंताक्षरी। राहुल पागल हो गया। क्यों राहुल? ओके ना। हाँ हाँ। अरे यार खड़े हो, खड़े हो। रेडी? खड़े हो जाओ सब। अरे खड़े हो जाओ। ये पागल हो गई है। राहुल, 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 राहुल रुक जाओ वरना मैं बात नहीं करूंगी। और कैसे आना हुआ तुम लोगों का? बस तुझसे मिलने आए। बहुत दिनों से ना तुम लोगों से मिलने का। पूनम बेटा। अरे वाह वाह। नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। बैठो 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 बैठो। नमस्ते। अरे वाह तुम लोग, सीमा, सोनी, कैसे हैं आप? ये तुम बताओ तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हूं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पति को काम मिला कि नहीं? जी हाँ, फौज में है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं फौजियों से बहुत प्रेम करता हूँ। अच्छा पूनम बेटा, इनको अच्छे से खिला पिला के भेजना। हाँ, नहीं 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 नहीं, इनको खाना खिला के भेजना, ठीक है? मैं चलता हूँ बेटा। जी नमस्ते। सीमा क्या खाओगे तुम लोग, बोलो। अरे कुछ नहीं खाना यार, इतने टाइम बाद मिले, इतनी सारी बातें करनी है, तू बैठ ना। हाँ बातें करते हैं। हाँ यार, हम सिर्फ तुमसे ही मिलने आए। शादी के बाद विशाल के साथ कैसा है सब कुछ? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम बताओ अपने पति के बारे में। अरे इसकी हिस्ट्री मैं बताती हूँ। इसने तो अपने पति को अपने माँ बाप से दूर कर रखा है, वो भी दिल्ली में है। हाँ कुछ भी मत बोल। हाँ वो अपनी मर्जी से खुद छोटे बेटे के साथ रहते हैं। हाँ अरे अरे अब ये सब छोड़ो। तुम पहले से अब अच्छी लगती हो वैसे। थैंक यू। पूजा की शादी हुई कि नहीं? पूनम मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। हेलो कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। हम ठीक हैं जीजू, आप तो इंस्पेक्टर बन गए। अब तो पहले से ज्यादा गुंडों को मारते होंगे। उत्तराखंड पुलिस गुंडों को मारती नहीं है, सीधा अंदर कर देती है। आपके पास है कोई गुंडा? हाँ गुंडा है ना, इसका पति जो आर्मी में है। वाह फिर तो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। ठीक है चलो चलता हूँ। बाय। इनकी भी तमन्ना थी आर्मी ज्वाइन करने की, मगर पिताजी चाहते थे इसलिए वो पुलिस में चले गए। चल अच्छा, इस बहाने तेरा पति सुबह शाम तेरे सामने तो रहता है। रात को ड्यूटी पे नहीं जाते क्या? घर की ड्यूटी भी तो जरूरी है। अरे
वो तो कभी भी हो सकती है, कमाल। अरे शर्मा क्यों नहीं है बता ना। अरे अरे जरा संभल के। वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ यार, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वाह। आराम से देख के संभाल के, देखो संभल के चलना, आराम से आगे देखो बाबा। आ जाओ, देखो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। Be careful guys, hey guys, इस तरफ चले क्या? हाँ मेरी पिक्स लो ना। मेरी भी, कितना अच्छा लग रहा है ना। कमाल है यार। नहीं मैं नहीं जा रही ज्यादा अंदर, मुझे डर लगता है। राहुल वहाँ चले, वो सीन अच्छा है यार, चलते हैं ना। बाद में यार मैं थक गया हूँ। सेल्फी लेते हैं यहाँ पे। हाँ क्यों नहीं। आराम से। ओम त्र्यंबकं यजमाहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मे वंदनात् मृत्युर्मुच्य मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजमाहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मे वंदनात् मृत्युर्मुच्य मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजमाहे ओम शंकराम बम बम। इस इलाके में 6 महीने तक मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, फिर तुम कैसे आ गए? मैं यहाँ मृत्यु पे विजय प्राप्त करने का जाप कर रहा हूँ। बाबा जी आज तक मृत्यु पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो आप कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे? मृत्यु पे विजय प्राप्त करेंगे जैसे रावण ने शिव की तपस्या करके शिव को प्रसन्न करके और त्रिलोक पर विजय प्राप्त की थी। बाबा जी मेरी आयु कितनी है कुछ बता सकते हैं आप? तुम्हारी आयु बहुत लंबी है, लेकिन तुम इस जंगल से चले जाओ। बाबा जी हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, पास में ही हमारा फॉर्म हाउस है, रात में हम वहीं रुकेंगे। हमारी तपस्या भंग करने के लिए बुरी आत्माएं आती रहती हैं, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। भूत प्रेत? क्या राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, चुप रहो। ये साधु बाबा क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बाबा जी, मेरी फ्रेंड। कुछ नहीं, इसे मैं अभी होश में ला देता हूँ। ओम पवित्राय गंगे, ओम पवित्राय गंगे, बम बम। कुछ नहीं होगा राहुल। हाँ? हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे जगह संभाल के आओ यार, कुछ नहीं होगा। डर नहीं लग रहा क्या? नहीं यार, कैसा डर? आराम से चलो ना, मैं हूँ ना साथ। संभल के आराम से आना सब लोग। राहुल प्लीज आराम से आ जाओ। चल तो रहा हूँ ना। बहुत डर लग रहा है राहुल। मैं हूँ ना। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। देखो अरे यार राहुल, इस गाड़ी में क्या है यार? राहुल तुमने साधु के साथ ऐसा किया ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अरे कुछ नहीं यार, मैं चल के देखता हूँ ना। राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, आ जाओ आ जाओ।
तुम मत जाओ वहाँ। राहुल कुछ नहीं है। राहुल प्लीज वापस आओ। कुछ ही नहीं है यार, बेकार में डर रहे हो तुम लोग। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, चलो बैठो गाड़ी में आ जाओ। कुछ भी तो नहीं है यार। चलो बैठो सर। अरे यार राहुल हमें यहाँ से चलना चाहिए। यार चलो यार। कुछ नहीं था यार गाड़ी में, क्या है कहाँ फंस गए यार। जल्दी करो यार। चलो राहुल चलो। पहुंच गए है ना। आ रहे हैं। क्यों बेटे आइए आइए। अरे अरे पापा, अरे 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 क्या टूट गया बे। अरे लोगन भगन जाइयो। अरे लेके तो कौन ना टूट जाए। आ गया। चलो सब चलो गाइस। फाइनली हम पहुंच गए। चलो कितनी अच्छी जगह है ना। बहुत मजा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था। तेरे पास है। चलो चलो यार। ओके इतने रात के बाहर कौन आया है? साहब लोग तो अंदर हैं। लोगन भोगन दरवाजे कौन खटखटा रहा है देखो। हमको तो लगता है कोई भूत आ गया है। अरे भूत, अरे बाप रे, अरे क्या कर रहा है भूत, भूत हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम ससुराल भूत का बिगाड़ देंगे। जाओ दरवाजा खोलो, ये तुम्हारा काम है। हमारा डबल रोल है क्या? हाँ तुम्हारा डबल रोल है। तुम रात में वॉचमैन और दिन में मैनेजर हो। जाओ अभी दरवाजा खोल के आओ। हम इस बंगले का मैनेजर हूँ। अभी तुम वॉचमैन हो, दरवाजा खोलो। अरे जाओ खोलो दरवाजा, जाओ दरवाजा खोलो, ये तुम्हारा काम है। हमारा डबल रोल है। हमारा डबल रोल है। जाओ डरो मत, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा। अरे जाओ 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 खोल के आओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जाओ बिल्कुल भी डरना मत। अरे बाप रे क्या फंस गए। बहुत बढ़िया, खोलो खोलो। अरे बाप रे। ओम शंकराय बम बम, ओम शंकराय बम बम, ओम शंकराय बम बम, ओम शंकरम बम बम, ओम शंकराय बम बम। साधु महाराज प्रणाम। ठीक पहचाना, मैं साधु हूँ, इस जंगल में तपस्या कर रहा हूँ। इस बंगले में जो बच्चे लोग आए हैं उनसे बोलो यहाँ से चले जाएं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले हमारे बेहोश भाई को तो होश में लाओ। ओम पवित्राय गंगे,
ओम पवित्राय गंगे बम बम। कौन? हाँ, मैं साधु नित्यानंद हूँ। इस जंगल में मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। हमारी तपस्या भंग करने के लिए बुरी आत्माएं आती रहती हैं यहाँ। वो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बंगले के मालिक को फोन लगाओ। लगाओ। फोन दीजिए। हेलो, बड़े मालिक साहब नमस्कार। अरे भोला तू? छोटे मालिक साहब आए हैं पिकनिक मनाने। अच्छा अच्छा। और उनके साथ में उनके दोस्त भी आए हैं। कौन कौन आए हैं उसके साथ? राहुल, दिनेश, बुनियाद, शिखा, सिमरन, सभी लोग आए हैं। इन सब का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना? और साधु महाराज भी हैं। जी, अभी बात कराता हूँ साधु महाराज जी से। ये लीजिए। हर हर महादेव। बाबा जी नमस्कार, कैसे हैं? खुश रहो बच्चा। बच्चा, जब हमने मना किया था कि 6 महीने तक इस बंगले पे कोई नहीं आना चाहिए, फिर इन बच्चों को क्यों भेज दिया? इन सबको तुरंत बुला लीजिए। बच्चे तो हर साल आते हैं बाबा जी। हाँ, और अभी तो रात हो गई। इस वक्त रात काफी हो चुकी है। मेरे बच्चों का ख्याल रखना बाबा जी, आप उनकी रक्षा करना। ठीक है, आपके कहने के अनुसार मैं इनकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। इनकी रक्षा करने के लिए हमें आज की रात इस बंगले पे गुजारनी पड़ेगी। उन्हें आज रात वहीं रुकने दीजिए। ठीक है, हर हर महादेव। इन्हें सुबह भेज दीजिएगा। ठीक है। तुम बच्चों की रक्षा करने के लिए मुझे आज की रात इस बंगले पे गुजारनी पड़ेगी। हमारे लिए हवन सामग्री का प्रबंध किया जाए। जी साधु महाराज, प्रणाम, अभी लाया। कल्याण हो। ये बाबा, चलो चलते हैं। ओम संक्रम बम बम। ओम संक्रम बम बम। लोगन भोगन, जल्दी आओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आ गए, आ गए, आ गए। खाली हाथ आए हो? जाओ, हवन का सामान लेके आओ। जा तो रहे हैं। देख कर रहे हो? जाओ। जा रहे हैं भाई। ये रहा हवन सामग्री। साधु महाराज जी, चलो ले चलो। ओम संक्रम बम बम। सिमरन, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। अच्छा? बिल्कुल अप्सरा जैसी। तुम्हारी बातें बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं, लेकिन वो साधु की बातें। छोड़ो ना वो साधु की बातें। आज हम दो बदन एक जान हो जाते हैं। आज तो तुम्हारी जान ही ले लूंगी। अच्छा, आओ ना। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोष्याय
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। ये तुम क्या कर रहे हो बिपिन? आज की रात इस बंगले में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी। त्र्यम्बकं यजमाहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे वन्दनात् मृत्युर्मुच्य मामृतात्। चलो चलो बिपिन, यहाँ से चलते हैं।
ओम संक्रम बम बम। ये तो जिंदा गिरी थी हमारे ऊपर। उफ, मर कैसे गई? मैम साहब, ये तो आपके पैरों से कुचल कुचल के मर गई। अबे अच्छा हुआ मर गई, तो अगर भाग जाती तो लगता कि भूत रहा होगा। देखो डरो मत, वो मर चुकी है। मर नहीं गई, कुचल कुचल के चटनी हो गई है। ओम संग्राम बम्बा। कोराना, हमें सब पता लग चुका है। मेरे मना करने के बावजूद यहाँ संबंध बनाए? नहीं नहीं, नहीं। अब तुम्हारा क्या होगा, भोलेनाथ ही जाने। इस चिपकली का क्या होगा बाबा जी? हम लोग सब अपने अपने कमरे में जाओ, मैं इसको अभी ठिकाने लगा देता हूँ। ओम संक्रम बंगा। चला बुनियाद, तुझे किसने मारा बुनियाद? बुनियाद ये क्या हो गया बुनियाद? बुनियाद, 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 तुझे कुछ नहीं होगा बुनियाद, बुनियाद, मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ मेरे दोस्त, मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा बुनियाद, तुझे कुछ नहीं होगा बुनियाद, बुनियाद, मैं हूँ तेरे दोस्त। बोल बुनियाद, तुझे किसने मारा? बोल, बोल ना बुनियाद, 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 बुनियाद। बहुत 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 बहुत। अरे कौन मार रहा है? अरे बंगले में मर्डर हो गया, तू यहाँ सो रहा है? क्या बोले, मर्डर हो गया है? हाँ मर्डर हो गया। तो तू भी सो जा, ससुरा हमारी नींद क्यों खराब कर रहा है? अरे कहाँ से आ गया? सो रहा है। अरे यार चल। अरे कहाँ? अरे ये तो मर गए, ये तो मर गया। ओम संग्राम बंगा। आनर, मेरे मना करने के बावजूद भी इन्होंने जरूर कोई गलती की होगी, ये उसी बात की सजा है। कैसी गलती साधु बाबा? मेरे मना करने के बावजूद भी इस बंगले के अंदर इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए होंगे, इसीलिए ये ऐसा हुआ है। अब कुछ नहीं हो सकता, के शरीर की जीवन लीला अब समाप्त हो चुकी है, इसे उठाकर मेरे पास ले आओ। ओम संक्रम बम्बा, ओम संक्रम बम्बा। बुनियाद, मेरे दोस्त।
कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब आप अपने कमरे में चलिए और आराम कीजिए। आइए। ये बच्चा ठीक बोल रहा है। शरीर जब हमारी साथ रहता था और आज एक झटके में छोड़ के चला गया। तुम लोग सब अपने अपने कमरे में जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मत रो बच्चा, मत रो बेटा। बाबा जी, हम बुनियाद को बहुत प्यार करने लगे थे, उसके बिना हम नहीं जी सकते बाबा जी। बेटी, प्यार एक अलौकिक पवित्र बंधन। प्यार में इतनी शक्ति होती है वो पत्थर को भी पिघला देती है। सच में गुरुजी, वही प्यार की। एक दिन अपने प्यार को पाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। बाबा जी, बुनियाद मेरा पहला प्यार था, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी बाबा जी। मैंने कहा ना बेटी, प्यार तो अमर होता है और तुम्हारा प्यार अमर है। बुनियाद की आत्मा जहाँ भी होगी वो तुमको प्यार करती रहेगी। गुरु जी, अनजाने में अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। भगवान तो गलतियां माफ कर देता है बेटी, लेकिन शैतान बिल्कुल नहीं। विपिन, तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। छोड़ो ना यार, जो होना था वो हो गया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी है ना, सब ठीक कर देंगे।
तुमने हमारे बुनियाद को मारा, अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हारे बुनियाद को नहीं मारा। ये तुमने क्या कर दिया बिपिन, उठो ना। ये तुमने क्या कर दिया सिमरन, तेरे बिपिन को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बाबा जी, कहीं सिमरन ने बिपिन को बुनियाद का कातिल समझ के मार तो नहीं दिया? वही हुआ जिसके बारे में तुम सोच रही हो। चलिए बाबा जी, चलिए चलो चलते हैं, शैतान ने तो करवा ही दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए बाबा जी जल्दी करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिपिन, बिपिन, उठ ना बिपिन, बिपिन, उठ बिपिन, उठ बिपिन, बिपिन। ओम संक्रम बम्बम, ओम संक्रम बम्बम। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, घोर आनर। वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, आजकल के बच्चों में सब्र नाम की चीज कहा। शैतान ने तीनों को मार के अपने साथ मिला लिया। साधु महाराज, ये क्या हो रहा है, एक एक करके हमारे सारे दोस्तों का कत्ल होता जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आप लोगों को सबको पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन आप लोग नहीं माने, उसी बात का नतीजा है, एक एक करके मर जाओगे तुम लोग, सुबह तक कोई नहीं बचेगा। अभी तो 4 घंटा बाकी है साधु महाराज। मूर्खों, इन तीनों को बाहर लेके आओ मेरे पास, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। साधु महाराज, आप क्या करेंगे, आपके होते हुए यह 4 लोगों का कत्ल हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए। अरे मूर्खों, तुम सब लोग तो बच जाओगे, इन लाशों को मेरे पास लेके आओ। ओम संक्रम बम्बम, ओम संक्रम बम्बम। चलो भुलन उठाओ, चलो भुलन उठाओ, हाँ लाओ, तो साधु की बातों में नहीं आने वाला, हम तो निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा यहाँ से। तो साधु क्या क्या बोल रहा है, इसे लेके चलो। ओम नमः शिवाय, ओम पशुपति तथाय नमः। चलो मैं चल के देखता हूँ। ओम ओम संक्रम बम्बम। बाबा जी शांत रहिए। चलिए बाबा जी। किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं। साहब, हमको लगता है यहाँ कोई आदमी है जो मर्डर कर रहा है। आखिर कौन कर सकता है? ये माला किसकी है? ये माला तो छोटे साहब की है। इसका मतलब सारी हत्याएं राहुल कर रहा है, लड़कियों के चक्कर में। क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपने दोस्तों का मर्डर क्यों करूंगा? मुझे तो लग रहा है सारे मर्डर तुमने किए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओम संक्रम बम्बम,
तूने मुझ पे हाथ उठाया और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा नित्यानंद है। आपको हमारे साथ चौकी चलना पड़ेगा। नहीं, हम मृत्यु पे विजय पा सकते हैं, हम चौकी नहीं जाएंगे। साधु बाबा आपको हमारे साथ चौकी चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा जाना बहुत जरूरी है, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। ओम संक्रम बम्बा। चलो अंदर, चलो चलो अंदर, लेके तरफ जाओ, चलो। साधु महाराज, सच सच बता दो आप साहब को, आप छोड़ जाएंगे, वरना तंत्र मंत्र जपते रहो यूं जेल में जिंदगी भर। इतनी बार कहूं आपको, ये पूरी आत्मा ने कत्ल की है। झूठ बोलते हैं आप। ओम संग्राम बम्बा। कातिल ने गनासे से मर्डर किया है। इसका मतलब कातिल प्रोफेशनल नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर, ये फार्म हाउस तुम्हारे इलाके में है ना? जी सर। मैंने आज तक इस इलाके में ऐसा केस नहीं सुना। इस केस के बारे में रात में तुमको कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी? हाँ सर, इन्फॉर्मेशन तो मिली थी, मगर मर्डर की नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया था कि मेरे बच्चे फार्म हाउस में गए हैं। अगर रात में फोन आए तो आप जाकर देख लेना। तो कहीं मल्होत्रा ने तो प्लान करके ये मर्डर नहीं किए? तुम अपने तहकीकात की शुरुआत कॉलेज से करो, क्योंकि हो सकता है राहुल के दोस्तों की दुश्मनी राहुल के दोस्तों से रही हो, उन्हीं दोस्तों ने राहुल के दोस्तों को मार दिया हो। खैर, इस केस को सुलझाने की 40 घंटे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मल्होत्रा को इन्फॉर्म करो। ओके सर, जय हिंद। राहुल, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो तुम? कौन है प्रोफेसर? सर, SBM कॉलेज, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार। लेकिन प्रोफेसर बहुत ही सीधे साधे आदमी। देखते हैं कितने सीधे साधे हैं तुम्हारे प्रोफेसर।
राहुल, अगर तूने अपने दोस्तों का कत्ल किया है तो पुलिस वालों को बता दो, वरना तुम्हारे चक्कर में हम तीनों फंस जाएंगे। साधु महाराज, कितनी बार बताऊं, मैं अपने दोस्तों का कत्ल क्यों करूंगा? भोला, बताओ ना यारी ने कि मैं अपने दोस्तों को कितना चाहता हूँ। हाँ साधु महाराज, साहब तो अपने दोस्तों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, साहब भला क्यों मारेंगे? हमें तो लगता है कि आपने अपने आप को अमर होने के लिए उनकी बलि दी है। साधु महाराज, हमको तो पुलिस से बहुत डर लगता है, अगर आपके पास कोई तंत्र मंत्र हो तो ऐसा करो कि हम सब यहाँ से छूट जाएं। पाखंडी साधु, ये उत्तराखंड पुलिस है, तुम्हारा तंत्र मंत्र यहाँ नहीं चलने वाला। अब उत्तराखंड पुलिस का तंत्र मंत्र चलेगा, ओम संग्राम बम्बा। क्या आप ही प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार हैं? हाँ जी। लास्ट राहुल और शिखा को आपने कहाँ देखा? इंस्पेक्टर साहब, राहुल और शिखा बुधवार को मुझे कॉलेज के कंपाउंड में मिले थे और मैं उन्हें देखते ही डर गया था, क्योंकि उसके पहले ही दिन वो मुझसे टकराया था। उसके बाद ये दोनों कॉलेज नहीं आए, इनके साथ साथ इनके दोस्त बुनियाद, विनय, रिंकल, सिमरन का भी कोई पता नहीं चला। आज सुबह नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे बेटे को आपने क्यों गिरफ्तार कर लिया? मेरा बेटा तो कत्ल कर ही नहीं सकता। देखिए मल्होत्रा साहब, मैंने ये नहीं कहा कि कत्ल आपके बेटे ने किया है, लेकिन शक है मुझे। जिसके आदमियों का कत्ल हो गया आपने मुझे कौन कर दिया? साहब, किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया जो अपने दोस्तों की गम में परेशान हो रहा हो, आपने उसी को हवालात में बंद कर दिया है। कानून के हिसाब से आप उसको अंदर नहीं कर सकते हैं। अब जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। देखिए वकील साहब, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ केस की फाइल तैयार कर देंगे तो आप कोर्ट में जाके सफाई देते रहना। ठीक है, नमस्कार। 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 अब मेरे बच्चों का क्या होगा साधु महाराज? मैंने बड़े विश्वास से आपको धोनी जला के दी थी उस फार्म हाउस के आगे कि आप इन्हें बचा लेंगे, ये सोचकर। अरे भोलन, रो मत, इसी ने ही तो चारों को मारा है। ये साधु नहीं, पाखंडी है, पाखंडी। ओम शंकर बम बम। मैंने किसी को नहीं मारा, जिस किसी ने भी इनको मारा भोलेनाथ इनको छोड़ेंगे। ओम शंकरम बम बम। भोला बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सारे मॉडल तुम। राहुल, तुमने आज तक पहुंची कि नहीं पहुंची? आखिर बंगला खा गया क्या उसको? बंगला कैसे खाएगा, तुम लोगों का इसमें कुछ ना कुछ राज है। प्रोफेसर, तुमने राहुल के साथ मिलकर उस लड़की को गायब कराया है। आप गलत समझ रहे हो सर, हो सकता है सोनिया सबको मारकर वहां से निकल गई हो। हाँ, पहले ही सोनिया और इनके बीच छोटा मोटा झगड़ा तो होता ही रहता था। कैसी बात कर रहे हो सर, सोनिया कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकती। तो क्या तुमने मर्डर किया है? चलो मेरे साथ, जब चार डंडे पड़ेंगे ना सब साथ साथ बताओगे। Thank you.
तुम शिखा के बारे में क्या क्या जानते हो? सर, शिखा एक अच्छी लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी एक दादी और माता पिता नहीं है, मेरी नजर में उससे अच्छी कोई नहीं है। तुम्हें पता है कल शिखा ने कितने मर्डर किए हैं? चार चार मर्डर किए हैं। अपनी जबान संभाल लो, एक सीधी सादी लड़की पे इल्जाम लगाते हो। तुम पुलिस वाले रिश्वतखोर होते। हम क्या है क्या नहीं है ये पूछने के लिए नहीं बुलाया है। तुम चुपचाप शिखा के बारे में बताओ, या तुमने भी उसके साथ मिलकर मर्डर किया है? ये रोहित तो मर्डर नहीं कर सकता, ये तो तीन दिन से शिखा से मिला भी नहीं है। वो लोग तो पिकनिक पे गए थे राहुल के फार्म हाउस पर। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊं। चल बैठ इधर। बता दे, सच सच बता दे, ये चारों मर्डर किसने किए? मुझे नहीं पता है। मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुम अच्छे घराने से लगते हो, बता दे। सर मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोलते हो तुम। लखविंदर सिंह चड्डा से बच के कोई नहीं जा सकता। झूठ मत बोलना, ये उत्तराखंड पुलिस है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? झूठ बोलता है तो सच बता दे, छोड़ दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तू झूठ बोल रहा है कि तूने मर्डर नहीं किया, जानता है? किससे बात कर रहा है? उत्तराखंड पुलिस से। सर मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं झूठ क्या बोलूंगा? तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। क्यों गए थे फार्म हाउस में? अब तुम सच सच बताओ, तुम नहीं जानते लखविंदर सिंह चड्डा को? मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूं। हाँ बताओ। हम सारे दोस्त पिकनिक पर जा रहे थे, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया सर, जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है शाबाश, अगर सच बोला है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, और हाँ तुमने अगर झूठ बोला तो तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता है, समझ गए? तुमको चक्की पिसवाऊंगा उत्तराखंड जेल में अगर तुमने एक भी झूठ बोला होगा। सच को झूठ को उत्तराखंड पुलिस जो है न्याय कर देती है। ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो अभी तुम्हारे सच का न्याय हो जाएगा। ठीक है तो उसने मेरे बेटे को क्यों मारा? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। भगवान किसी का बुरा नहीं करता, अच्छा ही करता है। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। होनी को
मैंने उसको बता दिया कि बच्चे पिकनिक गए, दूसरे के बेटे को मरवाने गया, तो मेरा बेटा ही चला गया। भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने ही बेटे को मरवा दे। नहीं नहीं पापा, नहीं, आप इल्जाम अपने ऊपर मत लीजिए पापा, अपने आप को संभालिए पापा। अरे क्या संभालूं, क्या धीरज रखूं, मेरा अपना ही बेटा चला गया। पापा बुनिया बुनिया पापा। पापा मेरा बेटा बुनिया। अपने आप को संभालो बुनिया बुनिया। इस पिता राहुल के पाप के सारे शिखा को राहुल के किए हुए सारे मर्डरों का इल्जाम लगा रहा है। रोहित पागलों जैसी बातें मत करो, राहुल वाला अपने दोस्तों को क्यों मारेगा? क्योंकि राहुल एक बड़ा आयासी आदमी है। राहुल ने रिंकल और सिमरन को अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। बुनियाद और विपिन दोनों लड़कियों से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों इसके बीच में आ गए होंगे, इसलिए उन दोनों को मार दिया। राहुल इतने कमीने नहीं कि अपने मतलब के लिए अपने दोस्तों को मार दिया। जरूर पागल हो गया। हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं मानता कि शिखा किसी की मर्डर कर सकती है। आई लव शिखा, आई लव शिखा, आई लव शिखा। चल बैठ साधु महाराज, पाखंडी साधु। साधु महाराज पाखंडी साधु, तुम सच सच क्यों नहीं बता देते उत्तराखंड पुलिस को? ओम संक्रम बम्बा, चुप, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। झूठ बोलता है तू। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तेरे को उत्तराखंड पुलिस का जब लापा पड़ेगा ना, तब तू सच सच बोलेगा। तू जानता नहीं उत्तराखंड पुलिस को। ओम संक्रम बम्बा, तुमने कितनी बार बता चुका हूँ ये खून मैंने नहीं किए। तू उत्तराखंड पुलिस लखविंदर सिंह चड्डा से झूठ बोलता है। ओम शंकरम बम बम, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलता है तू। ओम शंकरम बम बम, चुप, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। पाखंडी साधु, तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोल रहा है, चुप। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं बिल्कुल सच बोला। तुम झूठ बोलते हो। आपको सब सच सच बताता हूँ। लखविंदर सिंह चड्डा कहते हैं, उससे झूठ बोलकर तुम कहीं नहीं भाग सकते। बच्चों का कत्ल है, चुप। मैं भोले नाथ का पुजारी हूँ, भोले नाथ किसी की बलि नहीं लेते। तुझे छोड़ दूंगा अगर तू उस दिन सच बताएगा। जब मैं जंगल में तपस्या कर रहा था, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं। झूठ बोल रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ। हट, हट, हट। ओम संक्रम बम्बा, शट अप। तुम सच बताओ, नहीं तो मेरे हद से बाहर चला जाएगा ये मामला। भला मैं बच्चों का खून क्यों करूंगा? शट अप। मैं भोलेनाथ का पुजारी हूँ। भला मैं बच्चों का कत्ल क्यों करूंगा? हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, और शंकर भगवान किसी का कत्ल नहीं करते, किसी का कत्ल नहीं करते।
ओम शंकरम बम बम। जाने दीजिए साहब। जूलन, सच सच बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बताता हूँ साहब। अच्छे दिल के आदमी हैं, तुझे छोड़ देंगे अगर तूने सच बताया तो। साहब हमें जाने दो। झूठ मत बोलना। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं मारा। छोटे साहब आते हैं पिकनिक मनाने के लिए और मैं उस फार्म हाउस पर अकेला रहता हूँ। इस बार भोगन भी मेरे साथ था। सच बोलेगा तो ये साहब तुझे छोड़ देंगे। झूठ बोलेगा उत्तराखंड पुलिस से तो उत्तराखंड पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी। भूलन, छोटे साहब हर साल आते हैं पिकनिक मनाने। इस साल लोगन और हम दोनों एक साथ थे। उस दिन भोगन वहां से जब मर्डर हुआ गायब हो गया था और मुझे पता नहीं। और मैं साहब मुझे छोड़ दो, मेरे बीबी वाल बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। सच बोल रहा है तू? सच बोल रहा है? हाँ सर। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सारे मर्डर किसने किए हैं? लोगन ने किए हैं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारे मर्डर लोगन ने किए हैं? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ठीक है साहब, हमारे बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं, तुम्हें छोड़ देंगे। तुम साहब से माफी मांग लेना, सच सच बता देना साहब के सामने। उठो, उठ, साहब के सामने सच सच बोलो। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं मारा। छोटे साहब हर साल आते हैं फार्म हाउस पे और मैं अकेला रहता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सारे मर्डर लोगन ने? नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं है। ठीक है चलो बैठो साहब। बैठो। सब बता तो दिए हैं, जाने दो साहब। अरे साहब जाए। साहब मुझे नहीं लगता कि ये मर्डर इसने किया। सब लोगन का करा धरा है साहब। सारे मर्डर, चार चार मर्डर किए हैं उसने। तुम ठीक कह रहे हो। ये लोग सब सच बोल रहे हैं। मुझे भी इसकी बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है। एक काम करो। जी सर। इसको ले जाओ। जी सर। चलो चलो चलो। रुको रुको साहब, मैं इसको जानता हूँ। एसके राठौर, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो लोगन हूँ लोगन। साले आराम जादे, इतना नुकसान करने के बाद भी तू जिंदा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चार मासूमों को कत्ल करके तुझे क्या मिला? नहीं साहब, मेरे बेटे को छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए साहब। मैं तुझे छोड़ूंगा साहब, मैं इसे छोड़ूंगा। हेलो उत्तरा, तेरे को गलत फहमी हुई है साहब, यही है कातिल। ये वही आती है। ओ, तो ये आपका नौकर नहीं है क्या? नहीं, ये नौकर नहीं, ये मुजरिम है। चार मासूमों का कत्ल इसी ने किया मेरे बेटे को बताने के। क्या मिला शैतान तुझे उन चार मासूमों का कत्ल करके? नहीं नहीं साहब, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, ये झूठ बोलता है। चलो
बता दे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, झूठ मत बोलना उत्तराखंड पुलिस से। मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैं मल्होत्रा के फार्म हाउस में नौकरी करता हूँ। चुप, वो तो मैं भी जानता हूँ। मल्होत्रा के फार्म हाउस पर झूठ बोलता है तू, बोल कौन कौन थे वहाँ पे। बुलन, लोगन और मैं। झूठ बोलता है तू, सच सच बता दे, हकीकत क्या है बता दे सर को, तुम छूट जाओगे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं मल्होत्रा के फार्म हाउस पे नौकरी करता हूँ। मेरा नाम लोगन है, मैं एस राठौड़ नहीं हूँ। मल्होत्रा झूठ बोलता है, मल्होत्रा झूठ बोलता है, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं समझ गया, हर कोई सच ही बोलता है। झूठ मत बोलो, सच बयान करो। सर से झूठ बोलते हो, उत्तराखंड पुलिस से झूठ बोलते हो। उत्तराखंड पुलिस छोड़ेगी नहीं मुजरिम को, असली मुजरिम तुम हो, सच बयान करो। साफ नहीं मालूम, चारों कत्ल नहीं किए साहब। किसने किए हैं? हमें पता है कि असली मुजरिम तुम हो। मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। लोगन तुम हो? तुम्हारा ही नाम लोगन है? हाँ, हमारा ही नाम लोगन है। यश राठौड़ कौन है? यश राठौड़ मैं नहीं हूँ। जानते हो पर झूठ बोलते हो तुम। मेरा नाम लोगन है। यश राठौड़ कौन है, कहाँ से आया, कैसा है? मैं नहीं जानता। बोलता है कमीने तू, बता 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 जल्दी, सच बताओ साहब को। मैं नहीं जानता, मैं लोगन हूँ, मैं एस राठौड़ को नहीं जानता। ये बात सच है तो बच जाओगे तुम। सर ये झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है, असली मुजरिम यही है। मारो, बताता हूँ। सच बताओ सर को, झूठ मत बोलना, सच बताओ, बताओ। हाँ हाँ, सारा कत्ल मैंने ही किया है। हाँ, सारा कत्ल मैंने ही किया है। चारों कत्ल मैंने ही किया है, चारों कत्ल मैंने ही किया है। मैं गया था लोगन बनकर फार्म हाउस पर, मल्होत्रा के बेटे राहुल मल्होत्रा को मारने के लिए। मौत हो गई, मैं तन्हा हो गया, तन्हा, मैं तन्हा हो गया, मैं तन्हा हो गया, तन्हा। फिर मैं बड़ा होकर उसके बिजनेस में बहुत लॉस किया। फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे पीछे पूरा उत्तराखंड पुलिस लगा दिया। फिर मैंने अपने आप को मृत घोषित कर दिया। मुझे लगा शायद मैं जिस लड़के को मार रहा हूँ वही राहुल है। मारने के बाद जब वो राहुल राहुल चिल्लाने लगा तब मुझे लगा कि मैंने गलत आदमी को मार दिया है। उसके बाद फार्म हाउस में अगले तीन कत्ल और किसने किए? मैंने नहीं मारा, मैं बताता हूँ।
बुनियाद के गम में सिमरन ने विपिन और रिंकल को मार डाला और रिंकल ने मरते मरते सिमरन को मार डाला, फिर सिमरन को मार डाला। उसके बाद रात भर में राहुल को मारने का प्रयास करता रहा, राहुल को मारने का प्रयास करता रहा। ठीक है, मार ले, क्या हुई इसे? मल्होत्रा साहब, असली कातिल मिल गया है, आप अपने बेटे को ले जा सकते हो। इसकी कॉइल बहुत मजबूत बनाना इंस्पेक्टर साहब, इसकी पकड़ बहुत ऊंची है। आप उसकी चिंता ना करें, लखविंदर ले जाओ इसे। चल चल, संग्राम बम्बा।